आश प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद, औरों पर तू रहम करता, कर मुझको भी याद। यीशु यीशु, सुन मेरी फरियाद, और को जब तू बुला, तेरे सामने मैं हूँ परेशान, बरकत बख्श दे ए मसीहा, दे मुझको ईमान। यीशु यीशु, सुन मेरी फरियाद, जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। हाथ ही जानता हूँ मैं तो चंगा कर जख्मी रूह को, फजल से बचा। यीशु यीशु, सुन मेरी फरियाद, और को जब तू बुलाता कर मुझको जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। आप सभी को प्रभु मसीह के नाम में शांति मिले। आज के इस कलाम में, आज के संदेश में परमेश्वर हमसे क्या कहने जा रहा है, उन लोगों से जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के पीछे चलने के नाते हम लोग अपनी जिंदगी को एक मसीह होने के नाते किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। आज एक नया संदेश यीशु मसीह आप और मुझ तक लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि हम संदेश के बारे में सुने, आइए दुआ करते हैं। रहमतों की बाणी, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के इस समय के लिए, दिन के लिए, ताकि हम इस वक्त आपके कलाम से सीख सकें उस संदेश के बारे में जो आज हम तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हमारे दर्शकगणों की सहायता और मदद करें और मेरी भी सहायता मदद करें कि मैं आपके वचन को सच्चाई से बोलूं। ये सब यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर बहुत सारे तरीके अपनाता है कि हम लोग उसके वचन के बारे में सीखें। एक मसीह होने के नाते हमारा जीवन कैसा हो, हमारा चाल चलन कैसा हो, हमारा उठना बैठना कैसा हो, हमारा लोगों से मिलना कैसा हो, ये सब बात काउंट करते हैं एक मसीह के लिए। आप मसीह हैं या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या आप मानते हैं कि यीशु मसीह है जो मेरा उद्धार करता है, इन सब बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के इस कलाम के द्वारा बताई गई बातों को सीखें। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जीवन में क्या चुनना चाहते हैं,
आप कोई भी चीज़ पसंद कर सकते हैं या कोई भी चीज़ आपकी पसंदीदा हो और आपसे कहा जाए कि आप क्या चूज़ करेंगे, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे खाना पसंद है तो मैं खाने में ये वाली चीज़ जो उसे पसंद है ये मैं चुनूंगा, या फिर किसी को नाचना पसंद होगा या किसी को गाना गाना पसंद होगा, ऐसी बहुत सारी, किसी को पढ़ना पसंद होगा। पर ध्यान रखिए कि मैं ज़िंदगी में अगर पढ़ना मुझे पसंद है तो मैं क्या पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ना बहुत पसंद है लेकिन वो ऐसी बातें पढ़ते हैं या ऐसी किताबें पढ़ते हैं और उनमें ऐसी कहानियाँ जिनका जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर वो ऐसा गाना गाना पसंद करते हैं जिनसे ना तो आपके जीवन को कोई फ़ायदा है ना मेरे जीवन को, या फिर इस तरह के उनके ज़िंदगी में पसंद के जो क्षेत्र होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिनसे ना तो उनके जीवन का की उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। हम क्या चुनते हैं ये बहुत डिपेंड करता है आपके और मेरे जीवन के लिए, निर्भर कि आप क्या चुनते हैं और मैं क्या चुनता हूं। एक मसीह होने के नाते आपका और मेरा क्षेत्र एक दायरा होना चाहिए कि हम लोग किस चीज को चुनते हैं। किसी ने कहा है सीक गॉड नॉट सिन, यानी कि परमेश्वर की खोज करें ना कि पाप की। जिस तरह से मत्ती की किताब में लिखा गया है पहले तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो और जितनी भी वो सारी चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं ना कि ये। अगर मुझे घर की ज़रूरत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ऐसा घर चाहिए जिसकी मैं लालच करता हूँ या इच्छा करता हूँ, नहीं। परमेश्वर आपकी और मेरी ज़रूरत पूरी करता है, ये मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ, पर वो हमारी उस चीज़ को ज़रूर उस चीज़ को पूरी करता है जो हमें ज़रूरत हो, जो हमारी ज़रूरत है, ना कि हमारी इच्छा। तो इस बात को एक मसीह होने के नाते हम लोग ध्यान में रखें कि परमेश्वर हमारी ज़रूरत को पूरा करता है ना कि इच्छा को। तो इसका मतलब है कि हम फिर क्या चूज़ करें, किसको ढूंढें, किसको चुनें, पाप को या परमेश्वर को। आप करो मेरे ऊपर एक कहानी, इससे पहले कि मैं इस कहानी को आपके सामने लेकर आऊं, आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमोस की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 4 आयत मेरे साथ निकाल दीजिए, आमोस की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 4 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, यहोवा इसराइल के घराने से यों कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। आप जीवन चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, आप जिंदगी चाहते हैं। शायद इस दुनिया में हमारी जिंदगी 70 साल की होगी या व्यायाम करके अच्छा खाना खाकर शायद हम उसको 80 साल कर दें, पर इससे ज्यादा हमारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं है। परमेश्वर यहां पर बात कर रहा है उस अनंत जीवन की, उस अनंत जीवन की जो कभी खत्म होने वाला नहीं, और एक मसीह होने के नाते आप और मैं इसी के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट यह बता रही है कि आप सच में और मैं इस अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर उस अनंत जीवन को पाना है तो खुदा ने कहा कि मेरी खोज में लगे रहो तब तुम्हें जीवन मिलेगा, तब तुम जीवित रहोगे। और ये एक ऐसा उदाहरण जो हमें यूसुफ की जिंदगी से मिलता है। आप सभी यूसुफ के बारे में जानते हैं, एक वो बेटा जिसको उसके पिता ने बहुत ज़्यादा प्यार किया। अगर आप इब्रानी कल्चर में जाएं, इब्रानी जो रीति रिवाज अगर जाएं, तो आप पाएंगे कि जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता है उससे जो है माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हमारा भारत का कल्चर या आजकल का जो कल्चर है वो थोड़ा सा अलग है, जो परिवार में सबसे छोटा होता है हम उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पर उस समय के जो सब परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा है उसे जो बहुत प्यार किया जाता, और यूसुफ वो जो है अपने पिता जो है इसराइल का या फिर आप याकूब कहिए उसका जो है पहला बेटा तो नहीं था, लेकिन जिस स्त्री से याकूब ने बहुत प्यार किया, जिस स्त्री को उसने सचमुच में अपना माना,
उसका पहला बेटा यूसुफ था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया याकूब ने। आप परमेश्वर के कलाम में पढ़ सकते हैं, जब आप परमेश्वर का कलाम पढ़ेंगे तो आप ज़रूर इस बात को देखेंगे कि क्यों याकूब ने उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया। और जब हम यूसुफ की कहानी में आगे जाते हैं, जब उसे इतना सारा प्यार किया जाता है और उसको जब स्वप्न दिखाई देता है, दो बार उसको स्वप्न दिखाई देता है और वो कहता है कि मैंने ये स्वप्न देखा है, और उसके भाई और माता पिता बहुत नाराज़ हो जाते हैं यूसुफ से। लेकिन यूसुफ, जब बाद हम देखते हैं कि यूसुफ ने जो स्वप्न देखा वो सच में परमेश्वर की ओर से था, उसकी ज़िंदगी में वो पूरा हुआ। और इस नाराज़गी की वजह से, इस जो उन्होंने उसे जलस जो रखा था, जलन की वजह से उसके भाई ने उसको कुएं में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया मिस्री के हाथों में। और जब यूसुफ मिस्र में पहुंचता है और जब वो एक उस व्यक्ति के पास रहता है और कामकाज करता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि उसको जो है परमेश्वर किस तरह से लीड करता है, किस तरह से परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम करता है, किस तरह से उसको परमेश्वर उसके जीवन में ऊपर लेकर आता है। अगर आप पढ़ें उत्पत्ति उसका 39 अध्याय में, और किस तरह से वो जो है बंदगिरी में जाता है और वहाँ से बाहर छोड़ता है। आपने इस कहानी को बड़ी तरह से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और आप इस कहानी के बारे में जानते भी होंगे। और बड़ा ही ऐसा मंजर यूसुफ के सामने आता है जो अगर आपको मेरे सामने आ जाए, शायद हम गिर सकते हैं, शायद हम उस परीक्षा में जो उसके सामने आई, मैं नहीं जानता कि एक ऐसी परीक्षा जिससे आपको और मेरे लिए संभलना बहुत मुश्किल होगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम पाप को चुनते हैं ना कि परमेश्वर को। और यूसुफ ने परमेश्वर को चुना ना कि पाप को, इसीलिए वो इस पाप को रिसिस्ट करने में कामयाब हुआ, यानी कि इस पाप को अपने से दूर करने में कामयाब हुआ। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। अगर आप निकालें उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय, और उसकी अगर आप एक आयत से आगे पढ़ते जाएंगे आप पूरे अध्याय में, तो आप पाएंगे कि किस तरह से यूसुफ इस पाप में जो है वो इस परीक्षा में पड़ा, और किस तरह से जो पोतीफर की पत्नी थी उसने उसको इल्ज़ाम में फंसा दिया। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। इस कलाम में लिखा है 10 आयत में 39:10 में, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही और उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। रोज़ देखिए, जो शैतान की तरफ से जब परीक्षा आती है, एक बार में आके चली नहीं जाएगी, परीक्षा हमारा पीछा करती है, कभी नहीं छोड़ेगी। हो सकता कि एक बार अगर हम उसे छोड़ दिया, एक बार हम उसको अपने से दूर करने में कामयाब हो गए, तो ये मत सोचिए कि अब परीक्षा मेरे ऊपर नहीं आएगी। पर रोज़ बरोज़ दिन प्रतिदिन वो परीक्षा क्या करेगी, आपका और मेरा पीछा करेगी, वो नहीं छोड़ेगी जब तक हम जो है क्या करेंगे, उसको अपना ना ले या पूरी तरह से दूर ना कर ले। और यही बात वो कहते, प्रतिदिन उसे बातें करती रही और क्या हो गया, उसके करीब वो आती रही ताकि उसको क्या कर सके, गिरा सके पाप करने के लिए। और अगली आयत कहती है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यूसुफ ने परमेश्वर को चुना ना कि पाप को। शायद किसी को पता ना चलता, कोई भी उस घर में नहीं था। अगर वो उस पाप में गिर जाता, उस परीक्षा में गिर जाता, उस पाप को कर जाता, तो शायद कुछ नहीं होता, ना ही वो जेल जाता और कुछ नहीं होता। पर मेरे प्यारे अजीजों, शायद दुनिया के लोगों को पता ना चलता, पोतीफर को पता ना चलता, उस घर के नौकर और चाकर जो थे उनको पता ना चलता, पर परमेश्वर तो देख रहा है। परमेश्वर हर एक बात जो हम जीवन में करते हैं उसको वो जानता है, समझता है कि हम किसको चुनते हैं और किसको छोड़ देते हैं। उसने पाप को अपने आप से कोसों दूर कर दिया और परमेश्वर को चुना। आप और मैं किसको चूज करते हैं? आप इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और देखते हुए इसको सोचें कि आज दिन में या आज के दिन आपने क्या चूज किया, किसको चुना, परमेश्वर को या पाप को? क्योंकि आमोस 5:4
फिर से मैं कहना चाहूंगा, कहती है कि मेरी खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। क्या आप और मैं जीवन नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। बेशक इस दुनिया में हम लोग मर जाएं कुछ समय के बाद, पर अनंत जीवन आपका और मेरा है, सिर्फ तब अगर हम परमेश्वर को चूज करें, परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर को चुने अपने जीवन में। एक मसीह होने के नाते आपके मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल कि हम किसको चुनते हैं। और दाऊद जो जिसको खुदा ने कहा कि अगर मेरे दिल के बाद अगर कोई है तो वो कौन है? दाऊद। ऐसा प्यार परमेश्वर ने उसे किया और अपना इतना प्यार दाऊद को परमेश्वर ने दिखाया कि उसको एक संज्ञा दे दी कि अगर मेरे दिल के बाद कोई अगर है तो वो दाऊद है। और अगर आप उसके जीवन में भी देखें बाइबल में, आप पाएंगे दूसरा शमूएल उसके जो है, जब आप पढ़ें पाएंगे दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय में पाएंगे कि किस तरह से जो है 11 अध्याय से आगे जो है शुरू हो जाता कि किस तरह से दाऊद उस परीक्षा में गिर गया। एक यूसुफ जिसने परमेश्वर को चुना, पाप को छोड़ गया, भाग गया, उसने यह नहीं सोचा कि बाद में क्या होगा अगर मैं पकड़ा गया या फिर इस महिला ने, मैंने अपना वस्त्र भी छोड़कर आ गया वहां पर, तो बाद में जो है अगर उस स्त्री ने कह दिया कि देखिए, और वही बात हुई बाद में जब आप कहानी को आगे पढ़ते हैं कि उस स्त्री ने क्या कर दिया यूसुफ को जो है उस पाप में, कहा कि ये मेरे साथ जो है क्या कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है या वो सब काम जो है मेरे साथ करना चाह रहा था, और वो फंस गया, जेल में डाल दिया गया, पर परमेश्वर ने उसके साथ रहा। और एक तरफ को दाऊद जिसके पास टेम्पटेशन नहीं आई, जिसके पास परीक्षा नहीं आई, जो अपने ही घर में था और टहलने के लिए छत पर चला गया। जब आप पढ़ेंगे आप पाएंगे दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास समय कम होने की वजह से हम लोग, मैं जो हूँ इसको नहीं पढ़ूंगा, अपने जो है शब्दों में इसको बोलना चाहूँगा कि आप जब आप पढ़ेंगे इसको और पाएंगे कि दाऊद जब छत पर गया, उसने चारों तरफ देखा और क्या पाया कि स्त्री जो है वो नहा रही है, और जैसे उसको देखा शायद वो वहां से भाग जाता या दूर हो जाता, वो अपने आप को वहां से दूर कर देता ताकि उस परीक्षा में ना पड़े। पर आप पाएंगे जब आप इस बाइल में इस लिखी हुई इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसने देखा चारों तरफ को, और उसने उस स्त्री को भी देख लिया, और उसको देखकर उसके मन में जो है वो पाप क्या हो गया, जाग गया। उसको और कुछ नहीं सूझा, उसको ये नहीं सूझा कि परमेश्वर क्या सोच रहा होगा, उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर इसके बाद अगर मैं इस पाप में, इस परीक्षा में गिर गया, इस पाप को करूंगा तो क्या सोचेगा। नहीं, उस बात को देखने के बाद उसका दिमाग खाली हो गया। अब वो क्या करे, उसको वही चीज सूझ रही थी कि मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, इसके साथ मैं सोना चाहता हूं, और वो उस पाप, उस परीक्षा में क्या हो गया, गिर गया, वो पाप कर गया। उसने पाप को चुना ना कि परमेश्वर को। और इधर यूसुफ के बारे में, उसने परमेश्वर को चुना ना कि पाप को, और उसकी जिंदगी जब आप देखेंगे, परमेश्वर ने क्या किया, उसको जेल से बाहर निकाला यूसुफ को, और उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया, देश का इतना बड़ा एक शासन करने वाला उसके हाथ में, एक पराया देश उसके हाथ में, यूसुफ के हाथ में। सोचिए कि जब आप परीक्षा में, परीक्षा को अपने, परीक्षा हर एक पर आती है, लेकिन अगर हम उसको टाल दें, उसमें ना गिरे, परमेश्वर की आशीष आप और मुझ पर बहुत बनी रहती है। इधर दाऊद पाप कर दिया, और जब पाप किया उसने, उसके दिल में यह बात है कि मुझे पश्चाताप करना है, और वो परमेश्वर के पास जाता है, दुआ करता है, प्रार्थना करता है, और उपवास करता है ताकि अपने से की हुई गलती को परमेश्वर के सामने माने, उसका पश्चाताप कर सके और परमेश्वर के पास लौट कर आए। अब समय आया दाऊद को कि वो परमेश्वर को चुने ना कि पाप को, पर पहले वो पाप को चुन गया। आपके मेरे साथ में शायद ऐसा हो सकता है, बाद में शायद हम पश्चाताप करते होंगे, लेकिन पहले हम लोग पाप को चुनते हैं। अक्सर इस बात को सोचना, हम जब जिंदगी में कोई पाप करते हैं, चाहे गुप्त पाप या फिर जो हम
शायद किसी और के सामने भी कर सकते हैं, बोलने में, सुनने में या कहने में या कोई भी किसी भी तरह की क्रिया में अगर हम लोग पाप करते हैं, आपको एहसास नहीं होगा कि मैं पाप कर रहा हूं जब वो प्रेजेंट में होगा, लेकिन जब आप कर चुके होंगे तब आपको एहसास होगा कि मैंने पाप कर दिया, मैंने गलती कर दी, परमेश्वर मुझे माफ करना। लेकिन जब प्रेजेंट में आप इस क्रिया को, उस पाप को कर रहे होंगे या जब सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसा करना है, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि परमेश्वर क्या सोचेगा। अगर ये बात आपके दिमाग में आ भी जाएगी, बट स्टिल हमारा दिमाग ऐसी बातों से घिर जाएगा कि परमेश्वर के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। ये इसीलिए क्योंकि हमने इस बात को दृढ़ संकल्प नहीं किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हर बात में परमेश्वर को चुनना है। अगर आप और मैं इस बात को अपनी जिंदगी में दृढ़ संकल्प कर लें, इस बात के लिए कमिटमेंट कर लें कि मुझे केवल परमेश्वर को चुनना है ना कि पाप को, तो मैं आशा करता हूं और ये मुझे विश्वास भी है कि यूसुफ की तरह मैं अपने आप को पाप से दूर करने में जो सफल हो जाऊंगा, दाऊद की तरह पाप में नहीं गिरूंगा, उस पाप को नहीं करूंगा। और दाऊद ने वो पाप कर दिया। बाद में हम देखते हैं कि उसने पश्चाताप किया, उसके पश्चाताप के लिए परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया और इतना करीब हो गया परमेश्वर के, जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं, पर उस पाप के लिए एक की जान क्या हो गई, चली गई। उसका बेटा जो उस पाप से उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया, मर गया, वो उसका निरा खत्म हो गया। उसने पाप को चुना और उसका असर क्या हुआ कि उसने अपने बेटे को खो दिया, गुजर गया उसका बेटा उसके पास से चला गया। शायद मैं तो नहीं जानता कि एक बेटे के गुजरने का दर्द क्या होता है, शायद आप जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, शायद आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि एक बेटा या अपनी औलाद को गुजरने का दर्द क्या होता, तो वही दर्द दाऊद को सहन ना करना पड़ता अगर उसने वो पाप को नहीं चुना होता। यूसुफ ने कुछ समय का दर्द चुना, जेल में मारा भी गया होगा, शायद उसको लाठियां भी पड़ी होगी, पीटा गया होगा, पर कुछ समय का दर्द उसने चुना सच्चाई के लिए, यानी कि परमेश्वर के लिए खड़ा होने, परमेश्वर को चूज करने के लिए, परमेश्वर को चुनने के लिए उसने शायद कुछ समय के लिए दर्द सहा होगा, लेकिन आशीष उसने हमेशा की चुनी। शायद दाऊद के दिल में यह बात कि मैंने पाप किया है, ना जाने कब तक ये बात उसके दिल में रही होगी, कब तक ये बात उसके दिल को चुभती रही होगी कि मैंने परमेश्वर के प्रति पाप किया। और आपको मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जब हम पाप को चुनते हैं, जब हम पाप करते हैं, यही होता अक्सर कि मैंने गलती कर दी, हम अपने आप को अपराधी ठहराने लगते हैं। काफी काफी लंबे समय तक किसी किसी के तो पूरे पूरे जीवन में ये बातें रहती है कि मैंने उस समय में ये गलती कर दी, ये पाप कर दी, अगर मैं वो गलती ना करता, अगर मैं वो यहाँ तक कि उसने उस पाप से पश्चाताप भी कर लिया, पर फिर भी वो बात हमारे सामने आती रहती है। इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे दर्शकों, इस बात को हम आज अपने हृदय में ठान लें, अपने दिल में बिठा लें कि हम परमेश्वर को खोजें, तब हम जीवित रहेंगे, तब हम वो दिन प्रतिदिन नहीं मरेंगे कि मैंने पाप किया है, तब हम दिन प्रतिदिन हमारे या उस हमारी उस उम्र में ये बातें हमारे सामने नहीं आएगी कि उस दिन मैंने पाप को चुन लिया। हम परमेश्वर को चुनना सीखें मसीह होने के नाते हर बात में, और ये तब होगा जब एक मसीह होने के नाते हम लोग दुआ करना चाहते, हम लोग खुदा के वचन को पढ़ना जानते हो, हम उसके 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 कलाम की जो है अध्ययन करना जानते हो। ऐसी बहुत सारी बातें जो हम इस सीरीज में सीख रहे हैं कि हम एक मसीह होने के नाते, एक परमेश्वर के पीछे चलने वाले होने के नाते हमारा जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। हमारी जीवन शैली में ये बहुत जरूरी है, एक मसीह की जीवन शैली में ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को चुनना सीख लें। तो क्या आप चाहते हैं कि जीवन में, अपने इस जीवन शैली में हम हर एक स्थान पर केवल परमेश्वर को चुने, चाहे हम घर के अंदर हों या बाहर हों या काम के स्थान पर हों या स्कूल में हो या कॉलेज में हो, हम कहीं भी हों,
हम हर एक बात में परमेश्वर को चुनें, उसकी खोज करें, ना कि पाप की। अगर हम परमेश्वर को चुनते हैं या हम दूसरी बहुत सारी चीजों की खोज में लगे रहेंगे तो शायद हम परमेश्वर को खो देंगे, पर अगर हम परमेश्वर को चुनते हैं तो वो सारी चीजें हम लोगों को मिल जाएगी जिसकी हमें हमारी जिंदगी में जरूरत है। सबसे पहली जो जरूरत है हमारी जिंदगी में एक मसीह के लिए वो है परमेश्वर को चूज करना। परमेश्वर सीख, फर्स्ट सीख गॉड नॉट सिन। परमेश्वर हर बात में, बोलने में, उठने में, खाने और पीने में, हर चीज में परमेश्वर को चुने। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे जब हम परमेश्वर को चुनते हैं ना कि पाप को। आइए दुआ करें। प्यारे दयालु परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज जो कुछ भी आपके कलाम से सीखा हमें मदद करें कि हम आपको चुने जिंदगी में, हर एक बात में, हर एक काम में, हर एक जगह पर। हमें यूसुफ की तरह आपको चुनने की शक्ति और सामर्थ्य दे ताकि हम दाऊद की तरह पश्चाताप ना कर, अर्थात लंबी उम्र समय तक हमें किसी चीज को झेलना ना पड़े। हमारे दर्शकों की सहायता मदद करें, हमारे साथ मदद करें। ये सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को चुनते हैं ना कि पाप।